फ्रेंड्स, अब हमने कक्षा 9 के अंदर लेसन नंबर 1 आराधना और उसके बाद न्याय मंत्री का परिचय हमने दिया है। उसके बारे में हमने चर्चा की, आपके आपको पीडीएफ फाइल भी पहुंच चुकी है। अब हम लेसन नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क, क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक श्री हजारे प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म सन 1907 और 1979 में इनका निधन हुआ था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। यह एक निबंधकार और यहाँ पर जो काव्य, यहाँ पर जो लेख है, क्या निराश हुआ जाए, यह एक निबंध प्रकार है। साहित्य प्रकार इसका क्या है, तो निबंध प्रकार है। तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार और समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हो चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह लिखे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जो प्रस्तुत निबंध है, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे देश के अंदर कैसी स्थिति अभी चल रही है, तत्कालीन स्थिति के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, वास्तव में आज भी लोग में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, परंतु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हमारे जीवन में कैसी भी कोई भी घटना हो, हमें हमारे जीवन के अंदर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश होकर हमारे जीवन को हमें, इस तरह से यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हमारे जीवन के अंदर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी कि आजकल हम क्या देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, लूटपाट, यही सारे समाचार हमें सुनाई देते हैं, यही सारे देखने को मिलते हैं कि हमें क्या रोज समाचार पत्र घर पर आता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई लूटपाट हुई है, यहाँ पर डकैती हुई है, चोरी हुई है, तस्करी हुई है, बस यही समाचार पत्रों के अंदर हमें देखने को मिलता है। और देश के अंदर कोई ईमानदार आदमी है या नहीं ये भी हमें नहीं पता है। सभी लोग एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देख ही रहते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सभी के दोष निकालना ही सबको आ रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करेंगे, दोष खोजना शुरू कर देंगे, उसके सारे गुण बोला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लोग क्या कर रहे हैं, जो जितना भी बड़ा लोग है, जो जितने पद पर ऊंचे पद पर है, लोग क्या करते हैं उसके ज्यादा ही गुण निकालना यानी कि दोषों निकालना शुरू कर देते हैं, पर उसके अंदर क्या गुण है ये कोई नहीं देखता। अगर स्थिति ऐसी ही रहेगी, इस तरह सब एक दूसरे के दोष निकालना शुरू कर देंगे तो क्या स्थिति आएगी भारतवर्ष की, ये कभी यहाँ पर लेखक सोच रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत भारतवर्ष अतीत के गहवर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता है। हमारे महान मनुष्यों ने सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर महात्मा गांधी जी ने, तिलक जी ने क्या सपना देखा था और यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में आज क्या हो रहा है, तो कि उन्होंने सपना देखा था कि सभी लोग हिल मिल मिलकर भारत के अंदर रहे, सभी जातियां हैं भारत के अंदर, इसीलिए भारत को क्या कहा गया है, महामानव समुद्र के रूप
में भारत का उल्लेख किया गया है। समुद्र कितना बड़ा होता है, यहाँ से वहां तक नजर करो तो हमें सारी जगह पर पानी ही पानी दिखाई देता है। उसी तरह समुद्र की तरह यहाँ पर भारतवर्ष को उपनाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि भारत व भारत के अंदर कई सारी जातियां है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, द्रविड़ आकर रहे हैं, यूरोपीय आकर रहे हैं, बाहर के कई देशों के लोग यहाँ पर आकर अपनी संस्कृतियों को उन्होंने अपनाया, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तो लेखक क्या कह रहा है कि ये समुद्र कहीं सूख गया है क्या? परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं, ये सपनों का भारत है और वो आगे बढ़ेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो निर्दोष है, भोले भाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो श्रमजीवी पीस रहे और जो झूठ और फरेब का धंधा कर रहे हैं वो विकसित हो रहे। फल फूलना मतलब क्या होता है? विकसित होना। ईमानदार को मूर्ख का पर्याय समझा गया है यहाँ पर। सच्चाई केवल भीरू यानी कि डरपोक लोगों और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन महामूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं कि जो डर डर कर जी रहे हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं, श्रमजीवी लोग हैं, वो पीस पीस कर जी रहे हैं और जो कुछ नहीं करते, झूठ और फरेब का धंधा कर रहे हैं, वो विकसित हो रहे हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य नीतियों की त्रुटि की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सत्ता आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश होना हो जाना ठीक नहीं है। हमारे देश के अंदर ऐसे कई कायदे कानून हैं जो सभी पर लागू पढ़ते हैं। यही पर यही बात यहाँ पर लेखक ने की है कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह को बहुत महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष ने जो भौतिक वस्तुओं का अधिक महत्व यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है। यानी कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विकारों का मनुष्य ने अपने अंदर हावी नहीं होने दिया है। स्वाभाविक रूप से यह विद्यमान हो चुके हैं पर मनुष्य ने उस पर संयम रखना चाहिए, इन सारे विकारों पर, और उन्हें अपनी शक्ति यानी कि अपने अंदर प्रधानता नहीं देनी चाहिए। इसके बाद हम अगला वीडियो में इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद हम क्या चर्चा करेंगे। थैंक यू।